तो भैया वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सबका इंटरेस्ट जगा देता हूँ और देख लेते हैं कि शेयर बाजार का जादू क्या है। ठीक है ना, अगर आज से 40 साल पहले किसी ने विप्रो नाम की कंपनी में, विप्रो कंपनी सबको पता होगा एक आईटी कंपनी है, विप्रो में 10,000 रुपये लगाया होता, जी हाँ 10,000 रुपये लगाया होता आज से 40 साल पहले, तो आज जो आपका पैसा होता वो 700 करोड़ रुपए हो जाता। जी हाँ बिल्कुल 700 करोड़ रुपए हो जाता। अब आप कहोगे कि भैया 40 साल पहले 10,000 होता ही किसके पास था, कोई बात नहीं 1,000 रुपये था, अगर 1,000 रुपये भी लगाया होता तो 70 करोड़ हो जाता। 1,000 रुपये भी नहीं थे, मैं कह रहा हूँ 100 रुपये थे, अगर 100 रुपये भी लगाया होता तो आज 7 करोड़ रुपए आपके पास होते। क्या 7 करोड़ अभी के लिए आपके लिए कम है? 7 करोड़ इस टाइम आपको कमाने में कितना समय लगेगा आप ये सोच लीजिए। चलिए वीडियो को आगे देखिए, पूरा एंड तक देखिए, बहुत नॉलेज मिलने वाला है। कर दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक न्यू कमर हो, अगर आप बाज़ार को सबसे पहले समझना चाहते हो, यानी स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में काम कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट के प्राइजेस जो है वो अप डाउन कैसे होते हैं, टोटल यहाँ पे अगर आप ये सब कुछ समझना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगा कि वीडियो को आप पूरे पूरे एंड तक देखिएगा, वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, एंड दूसरा हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट का नाम इतना बदनाम क्यों है, जब हम अपने मम्मी को, पापा को या अपने रिलेटिव को किसी को कहते हैं कि हम शेयर मार्केट में काम करते हैं या हम शेयर मार्केट को शुरू करने वाले हैं, वो हमें बहुत ही गंदी नज़र से देख लेते हैं। एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि हम शेयर मार्केट से कितना कमा सकते हैं। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे कि कितने पैसे से हम शेयर बाजार में अपना निवेश शुरू कर सकते हैं एंड इसका प्रोसेस क्या है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ या अकाउंट्स के बारे में मुझे नहीं पता, या मैं 10वीं फेल हूँ या मैं 5वीं फेल हूँ, तो क्या मैं शेयर बाजार में निवेश कर सकता हूँ। और फिर हम समझेंगे शेयर बाजार एक्चुअल में काम कैसे करता है, प्राइस घटते बढ़ते क्यों हैं, और टोटल हम ये भी समझेंगे कि कैसे और भी ज़्यादा हम इस मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि शेयर मार्केट ये है क्या, जो हम एक शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का वो एक्चुअल में है क्या। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल शुरुआत से, बिगनर्स, जैसे कि आपको स्टॉक मार्केट का ए बी सी डी भी नहीं पता है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या, आपको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट क्या होता है, बिल्कुल बिगनर्स। समझ लीजिए आपके गली में एक गोलगप्पे वाला है, वो बहुत ही अच्छी गोलगप्पे बनाता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट उसके गोलगप्पे हैं, बट उसको क्या करना है, उसको एक बहुत बड़ा शोरूम खोलना है जहाँ पर बहुत सारे पैसे चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकता है, वो पैसे कहाँ से ला सकता है, वो अपने फ्रेंड्स से मांग सकता है, कुछ मदद उसकी फ्रेंड्स कर देंगे, कुछ उसकी फैमिली कर देंगे, लेकिन उसको जो फंड चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स 1,000 करोड़ रुपए। तो क्या उसका फ्रेंड या कोई और उसका जो रिलेटिव है या उसकी फैमिली है दे सकेगा? नहीं दे सके, क्योंकि वो गोलगप्पे का काम करता है। ठीक है ना, बट उसकी गोलगप्पे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पूरे के पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन निकालेगा और उसको बहुत सारे डिवाइड कर देगा और आम पब्लिक से, आपसे, हमसे पैसे के लिए अप्रोच करेगा, कंपनी के अपने दुकान के बारे में समझाएगा कि मेरा ये सपना है, मेरा ये सपना नहीं कह सकते, मेरा ये मॉडल है, उसके बिजनेस का मॉडल ये है और इस तरह से वो पैसे कमाने वाला है, और हम क्या करेंगे, हम उस पर बिलीव करके उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। समझ लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका कोई ब्रदर एक कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और आपसे आके कहता है, भाई तू मेरे बिजनेस में पैसे लगा, तू मेरे बिजनेस में पैसे लगा, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से मैं आपको अपने शेयरिंग कर लूँगा, बांट लूँगा। ऑब्वियसली बात है, जितना परसेंट आपने पैसा लगाया उतना परसेंट शेयर आपको मिल जाएगा, उतना परसेंट आपको प्रॉफिट से हिस्सा मिल जाएगा। सेम उसी तरह गोलगप्पे वाला आम लोगों को अपने अपने बिजनेस में हिस्सेदारी दे देता है और उसके बदले पैसे ले लेता है। समझ लीजिए यहाँ पे 10,000 करोड़ उनको चाहिए था, तो यहाँ पर पैसे लगाने वाले भी पता नहीं कितने 1,000 करोड़ होंगे, 10,000 करोड़ लोग भी अगर है किसी ने, जैसे ये हो गया कॉन्सेप्ट आईपीओ का। एक्चुअल में इसने क्या किया, अपनी कंपनी का आईपीओ कर लिया, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर।
आईपीओ कर लिया, जो हमारा आईपीओ आता है अभी, जैसे IRFC का आईपीओ आया था, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो ये आईपीओ, आईपीओ के थ्रू शेयर्स आते हैं। मतलब आपने सबसे पहले एक आईपीओ में पैसा लगा लिया, 15,000 रुपये का आपने निवेश कर दिया, आपके पास कुछ कंपनी के हिस्सेदारी आ गए, कुछ आप उस कंपनी में मालिकाना हक आपको मिल गया, जितना पैसे आपने लगाया उतना मालिकाना हक मिल गया। अब समझ लीजिए ये 15,000 का शेयर, अब देखिए कंपनी ने तो शेयर दे दिया, गोलगप्पे वाले ने शेयर बेच दिए अपने, तो क्या अगर आप वापस अपने पैसे की ज़रूरत है, आपको 15,000 का शेयर है और आपको वापस पैसे की ज़रूरत है, तो क्या आप गोलगप्पे वाले को जाके बोलोगे कि भैया आप ऐसा करो, मैं अपना शेयर वापस ले लो, मुझे मेरा पैसा दे दो, मैं आपके में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा? ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो उसके शोरूम खोल लिया, वो तो उसको बिजनेस में अपने लगा दिया, पैसे इन्वेस्ट कर लिया। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, सेकेंडरी मार्केट हुआ, शेयर बाजार खुला, जिसे हम कह सकते हैं शेयर बाजार, यानी एक्सचेंजेस हैं, NSE BSE है, सारा कुछ है, तो ये खुला यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे, अब देखिए यहाँ पे गोलगप्पे वाले को 10,000 करोड़ का जरूरत था, ठीक है जी, 10,000 करोड़ का जरूरत था, बट यहाँ पे बायर्स बहुत सारे थे, तो क्या वो आईपीओ में सबको पैसा, तो सबके शेयर तो मिले नहीं, सबको शेयर आईपीओ में नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी मार्केट में जब वो शेयर्स लिस्ट हो गए, तो सामने बाइंग और सेलर, बायर और सेलर, जो जिनको पैसों की ज़रूरत थी, 15,000 आपने लगाया था, आपने दोबारा आपको पैसों की ज़रूरत है, आप शेयर अपना बेचोगे, लेकिन सामने जो अब जिनको नहीं मिला था शेयर, वो क्या कर सकते हो, सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। आप सेलर हो, आपके पास शेयर है, जितना पे आपने बिड डाला, सामने अगर सेलर उतने पे खरीदने के लिए तैयार है, तो क्या होता है, ट्रांजेक्शन पूरा डन हो जाता है, ट्रांजेक्शन हो जाता है और आपके अकाउंट से शेयर निकल के जो नया बायर है उसके अकाउंट में चला जाता है। तो ये हो गया टोटल शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट, क्या शेयर मार्केट है क्या। एक्चुअल में शेयर मार्केट यही है कि आपने किसी कंपनी में हिस्सेदारी, किसी कंपनी हिस्सेदारी खरीद ली, ठीक है ना, ये शेयर मार्केट, इसकी वजह से प्राइस जो है वो अप डाउन होते रहते हैं। होप करता हूँ फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब शेयर मार्केट बदनाम क्यों है, देखिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वाकई में बाजार से कुछ गेन करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं ना, तो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट नॉलेज आपको पता ही नहीं है सामने कितनी सेना है, क्या है, आप युद्ध के मैदान में कूद गए बिना कोई हथियार के, बिना किसी नॉलेज के, तो क्या होगा, लास्ट में मारे जाओगे। तो सेम, पहले नॉलेज ले लीजिए, समझ लीजिए एक्चुअल में है क्या बाजार, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस कीजिएगा। तो होप करता हूँ आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलती है सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के ही नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, किस तरह से प्रॉफिट को अपने बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बदनाम क्यों, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक न्यू कमर, एक स्टूडेंट या आप शेयर बाजार में आए हो, देखिए यहाँ पर माइंडसेट आपका क्या है, आपने किसी से सुना, आपने किसी से सुना, या फिर आपने हर्षद मेहता वेब सीरीज देखी, या जो भी आपने किसी से सुना, उसने बताया भाई एक दिन में तो 50,000 कमा लिया था, भाई मेरे एक महीने में तो पैसे ही डबल हो गए, भाई एक पेनी शेयर लिया था वो तो पैसे ही डबल कर दिया, ऐसे ऐसे आप बातें सुन के शेयर बाजार में आए हो, तो आपका, आप सोचते क्या हो कि भाई एक महीने में मैंने भी पैसे को क्या करने हैं, डबल करने हैं, और होता क्या है एक्चुअल में लॉस लग जाता है, और वो एक सिंगल बंदा जो लॉस खाता है वो 50 लोगों को बोलता है, और इससे क्या होता है कि शेयर बाज़ार में ये तो रिस्की है, तो जुआ है, सब ऐसा समझने लग जाते हैं। अभी भी अगर आप शेयर मार्केट में न्यू हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई शेयर बाज़ार में नहीं है, तो आप ट्रस्ट कीजिए मेरा, आप जाके उनसे बोलिए कि मैं शेयर बाज़ार में वर्क करता हूँ, उनका रिएक्शन देखिएगा, वो आपको किस गंदी नज़र से देखेंगे। आप बिलीव कीजिए, मैं स्टॉक मार्केट में जॉब करता हूँ ना, मैं अगर किसी को बोलता हूँ ना कि मैं शेयर बाज़ार में जॉब करता हूँ, तो वो मतलब बुरी नज़र से देखता है, कहता है दलाल है, पहले बात कहता है दलाल है, दूसरी बात कहता है लोगों को मरवाता है, तीसरी बात कहता है कि लोगों के पैसे डुबवा देता है। तो ऐसी न्यूज़ेस, ऐसे मतलब रिएक्शंस होते हैं लोगों के, तो बहुत ज़्यादा माइंडसेट यहाँ पे डिपेंड करता है। शेयर बाजार में ऐसा कोई जादू का मंत्र नहीं है, यहाँ पे जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो FD है, आप जो बैंक्स में FD करते हैं, आपको उससे ज़्यादा रिटर्न, उससे 4 गुना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि FD के रेट्स आगे गिर रहे हैं, और जो गोल्ड है, जो प्रॉपर्टी है, उससे दुगना रिटर्न मिल सकता है, हाई रिटर्न और हाई रिस्क यहाँ पर मौजूद होता है। अब यहाँ पे रिस्क क्या है, हम ये समझेंगे कि शेयर बाजार में रिस्क क्या है। देखिए रिस्क की अगर हम बात करें, समझ लीजिए आपने अपने भाई की कंपनी में पैसा लगाया, भाई ने बोला कि भाई तू मेरे साथ काम कर, पैसे लगा मेरी कंपनी में, देखना मेरी कंपनी तो पूरी बल्ले बल्ले करा छोड़ेगी। आपने क्या किए, अपने पैसे उठा के उसको दे दिए, एक महीने के बाद वो आके बोलता है भाई मैं तो बर्बाद हो गया, कंपनी ही बंद हो गई,
कंपनी या लॉस हो गया या मुझे इतना का लॉस हो गया, तो क्या होता, आपके पैसे भी डूब जाते। सेम इसी तरह जिस कंपनी का आपने शेयर सेलेक्ट किया है, आप अगर वो कंपनी लॉस में चली जाती है या कंपनी घाटे में चली जाती है, तो होता क्या है, आपके शेयर्स के पैसे, आपके पैसे डूब जाते हैं। इसलिए यहाँ पे अब मैं बीच में रोक रहा हूँ और कहूँगा कि जब भी आप कोई कंपनी को सिलेक्ट करते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी किस तरह से काम कर रही है। कंपनी के बारे में पता ऐसे कुछ भी नहीं, एक भाई कोई पेनी शेयर बता दे, मेरे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं जो पेनी शेयर के पीछे पड़ते हैं। मैं कहता हूँ पेनी शेयर इज द गुड, अच्छी बात है पेनी शेयर में इन्वेस्ट करो, लेकिन एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लोग लाख लाख रुपए पेनी शेयर्स में लगा के बैठे हैं और अभी रो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है पेनी शेयर्स क्या है, तो इसकी भी वीडियो जल्दी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वाली वीडियो बातें नहीं करेंगे, कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपके सिर के ऊपर से जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिस्क क्या है, हम ये बात कर रहे थे। तो सेम उसी तरह अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और अगर उस कंपनी को नुकसान होता है, तो क्या होता है, आपके पैसे भी कम होते हैं और आपके पैसों का भी लॉस होता है, क्योंकि आपने उस कंपनी में हिस्सेदारी ली है। अगर आप जियो के मालिक बनना चाहते हो, आपने रिलायंस में पैसा लगा दिया, कल को जियो बंद हो जाता है तो रिलायंस के शेयर नीचे आएंगे। इसलिए अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा फन भी होना चाहिए। एक बहुत बड़ा बैटल चल रहा था, एक तरफ 10 CA थे यानी चार्टेड अकाउंटेंट 10 CA थे, और एक तरफ 10 बच्चे थे जो कि 10 एक साल के थे, 10 एक साल के 10 बच्चे थे, ठीक है ना। होता क्या है, देखिए 10 बच्चे थे एक तरफ 10 CA। यहाँ पे होता है कि आप लोग सीए ने 10 10 CA मिलके 10 स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे 10 बच्चे मिलके 10 स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और एक साल के बाद दोनों स्टॉक्स को कंपेयर किया जाएगा कि किन्होंने सबसे अच्छे स्टॉक्स चुने। कमाल की बात यह है, जो स्टॉक्स 10 बच्चों ने चुने थे ना, वो फंटेस्टिक रिटर्न दिया, और जो 10 CA जो 10 चार्टेड अकाउंटेंट ने चुने थे, वो माइनस में रिटर्न दिए या फिर बहुत कम रिटर्न दिए। तो अब इसमें क्या लॉजिक है, क्या एक 10 साल का बच्चा कॉमर्स जानता है, क्या अकाउंट्स जानता है, क्या उसको पता है भैया, वो तो 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा है। अब जो सीए लोग थे वो क्या किए, वो बहुत सारा दिमाग लगा के बैलेंस शीट चेक किया कंपनी की, कंपनी की फंडामेंटल चेक की, कंपनी के बारे में छोटी छोटी बातें चेक की, और वो बच्चों ने क्या किया, जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं उनके शेयर ले लिए। एक बच्चा कहता है कि यार डिज्नी बहुत बढ़िया बनाता है ना, डिज्नी डिज्नी उसको पसंद है, उसने डिज्नी ले लिया। एक बच्चे को मैगी बहुत पसंद है, उसने ITC का शेयर ले लिया। एक बच्चे को टाटा का प्रोडक्ट पसंद है, बिस्कुट बहुत पसंद है, उसने टाटा का शेयर ले लिया। एक बंदे को ब्रिटानिया वाला बिस्कुट टाइगर बहुत पसंद है, उसने ब्रिटानिया का शेयर ले लिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जब हम सेलेक्ट कर रहे शेयर ना, हम उलझना ज़रूर है, हमने बुक्स वगैरह भी देखनी है, लेकिन सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव होगा वो क्या देखना होगा, वो ये होगा कि भैया जो हम ऐसी कंपनी चुने जिसे हम रेगुलर देख रहे हैं, जिसके जिसके हम कंज्यूमर हैं, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। आप अगर ये हो गया हमारा बैकग्राउंड वाला बात, कि यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी इन्वेस्ट कर सकता है। समझ लीजिए आप 10वीं फेल हो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डोंट माइंड, यहाँ पर किसी को मैं एम्बेरस नहीं फील करवा रहा हूँ। समझ लीजिए आप 10वीं फेल हो, आप क्या काम करते हो, आप घर बनाने का काम करते हो, एक मिस्त्री का काम करते हो, एक एग्जाम्पल है, या मैं करता हूँ, मैं अपने आप पे लेता हूँ यार, आप पे क्यों दूंगा, मैं एक मिस्त्री हूँ और मैं एक घर बनाने का काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं भैया सीमेंट यूज़ करता हूँ। मुझे पता है कि मैं लोगों के घर में जाता हूँ तो कौन सा सीमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लोग ACC सबसे ज़्यादा लेते हैं कि सी सीमेंट सबसे ज़्यादा लेते हैं, मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा यार इस सीमेंट का डिमांड अच्छा है, इस सीमेंट का यूज़ अच्छा है, इस सीमेंट का फ़ायदा अच्छा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सी सीमेंट परचेज़ करूँगा, या मुझे ACC अगर लगता है तो ACC परचेज करूँगा। सेम उसी तरह अगर आप किसी कार की कंपनी में यूज़ करते हो, आपको उस कंपनी के लूपहोल पता है, आपको पता है कि इसका कंपटीटर कौन है, इससे अच्छा कौन करता है, आप उस कंपनी के शेयर सेलेक्ट करोगे। तो मेरे कहने का मतलब है, जिस चीज़ में आप हो, उस जिस बिज़नेस में, जिस ओकेशन में, जिस बिज़नेस में आप हो, उस बिज़नेस के बारे में आपको पता है, आप उस कंपनी के शेयर सेलेक्ट कीजिए। आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस सेक्टर को अच्छे से भली भांति से समझते हैं, ठीक है ना। होप करता हूँ यहाँ तक आप काफ़ी कुछ समझ रहे होंगे और मैं समझा पा रहा हूँ। अगर समझा पा रहा हूँ और चैनल को अभी तक लाइक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया कर लीजिएगा। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है यहाँ से, देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक पैन कार्ड है, ठीक है ना, अगर आपके पास एक पैन कार्ड है, एक आधार कार्ड और एक बैंक में अकाउंट है, तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस,
आप आ गए हैं उस लिस्ट में, आप भी किसी बड़े कंपनी के मालिक बन सकते हैं। करना क्या, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक्स का लिंक है और एंजल ब्रोकिंग का लिंक है, दोनों में से किसी भी लिंक पे आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कर सकते हैं और आप अपना निवेश, पहला निवेश अगर आप चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बातें हो गई हमारी, और वीडियो भी मे भी 14-15 मिनट का हो गया है। मैं शॉर्ट टाइम में नॉलेजेबल बातें बताना चाहता था, मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था शेयर बाज़ार क्या है आपको पता लगे, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक यहाँ पर और बात करेंगे कि कई बार क्या होता है कि हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, एक शेयर समझ लीजिए हमने एबीसी कंपनी का, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एबीसी कंपनी का एक शेयर हमने सेलेक्ट कर लिया, किसी भी कंपनी का हमने एक शेयर सेलेक्ट कर लिया और हमने सारे अपने पैसे उसमें लगा दिए, हमें उस कंपनी पे बहुत भरोसा था। जैसे कि यस बैंक पे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यस बैंक पे समझ लीजिए हमें भरोसा था और यस बैंक हमें पता था कि बहुत बड़ी बैंक बनेगी। होता क्या है, आने वाले 1 साल में या कुछ महीने में, 10 महीने में वो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, कंपनी बर्बाद हो जाती है, कुछ भी A to Z कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या होगा, आपका पैसा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने सारे पैसे को एक शेयर में मत लगाइए। यहाँ पर वॉरेन बफेट जी का एक बात है कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखिए, अगर बाई चांस आपका बास्केट आपसे आपके हाथ से छूट गया तो सारे के सारे अंडे आपके टूट जाने हैं। इसलिए अलग अलग बास्केट्स में अपने अलग अलग कुछ भी मैं कह सकता हूँ, यानी मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आप अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। समझ लीजिए आपके पास 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के हुए तो आप अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। लास्ट मेरा जो आप सबसे बात करने का मतलब है, लास्ट में जो यहाँ पर बात करूँगा कि इस शेयर बाजार से कितना पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपका एज 20 साल भी है, या मैं कहता हूँ 20 साल भी अगर आपका एज है, अगर आपका एज 20 है और आप सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये महीने से स्टार्ट करते हो, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 1,000 रुपये महीने से अगर आप स्टार्ट करते हो और आने वाले 25 सालों तक आप पैसे जमा करते हो, समझ लीजिए आज आपने 1,000 रुपये लगाए, आज आपने 1,000 रुपये लगाए और 1 साल तक आपने 1,000 रुपये लगाए, और अगले साल से जब आप 21 के हो गए, आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई, आपका इनकम बढ़ गया, तो आप उसमें 10% या 15% और इंक्रीज़ कर लिया। मतलब ये 1,000 का 15% कितना हो गया, 1,000 का 15% अप्रॉक्स अप्रॉक्स हो गया 150 रुपये। तो उसमें 150 रुपये और आपने ऐड कर लिया तो क्या हुआ, आगे महीने से आपने थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिया। इस तरह से अगर आप 25 साल तक करते हो, 1,000 रुपये महीने निकालने की वजह से आपको 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है, अगर सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार 15% का रिटर्न देता है। देखिए यहाँ पर रिटर्न मैटर करता है, 15% का मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा दे देता है। यहाँ पे मैं एक बात छेड़ूंगा सामने, अगर किसी ने आज से 40 साल पहले यानी 40 ईयर बैक किसी ने विप्रो कंपनी में, विप्रो का नाम सबने सुना होगा, किसी ने विप्रो कंपनी में, मैं ये वीडियो एक्चुअल मैं इसको फ्रंट में लगाऊंगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, मैं यहाँ पे करता हूँ वीडियो को एंड और इसको आप फ्रंट में स्टार्टिंग में सुन लेना, मतलब स्टार्टिंग में ही ये आएगा, इससे क्या होगा ना, इंटरेस्ट आपका जगेगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।